नमस्कार दोस्तों, संजय एग्रो फार्म यूट्यूब चैनल पर मैं पारस आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा, आपको पता लग गया होगा कि आज हम कहां जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं रचित भाई के पेट डाइवर्सिटी फार्म पे, जो हिसार हरियाणा में है। तो चलिए फटाफट पहुँचते हैं उनके फार्म पर और मिलवाते हैं आपको रचित भाई से और जानेंगे उनके पेट डाइवर्सिटी फार्म के बारे में। राम राम भाई। राम राम भाई। राम राम। आओ, क्या हाल है? बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और ठीक हो आप? बढ़िया बढ़िया। ट्रेनिंग चल रही है? ट्रेनिंग चल रही है भाई। ये हमारा कुजो है। ये लोग भाई लोग कहते हैं कि छोटी एज के डॉग को ही करवाओ। सबसे पहले तो वैसे तो जरूरत नहीं है इसकी। हाँ जी, एक इंट्रो हमारे दर्शकों को। दोस्तों, मेरे वाले चैनल पे कर दूंगा, वैसे ही कर दूं। जैसे करते हो वैसे कर दो यार। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पुंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बस आज चैनल दूसरा है इंट्रो मेरा। मेरा नाम रचित पुंगाल भाई, और कुछ लोग शायद मुझे भी जानते होंगे। मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है रचित पुंगाल के नाम से। मैं ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ और डॉग्स मतलब अपना प्यार डॉग्स है जी, तो थोड़ा बहुत लोग जानते ही होंगे। बस अब ऐसे बहुत लोग जानते हैं। अच्छा ये बताओ कि पेट डाइवर्सिटी, हाँ जी, कैसे नाम भी कैसे दिमाग में आया? वैसे तो आप डॉग लवर हो ही, थोर आपके साथ काफ़ी टाइम से है। हाँ जी, हाँ जी। और एक आपकी अच्छी हिस्ट्री रही है डॉग के साथ। हाँ भाई, हाँ। तो कैसे यहाँ पे कैसे आए भाई? पेट डाइवर्सिटी नाम आपने पूछा। पेट डाइवर्सिटी जो है ना भाई, ये एक सपना है जी। और ये सपना आज से 3 साल पहले शुरू हुआ था, जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था। ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में था मैं। मेरे हम 4-5 दोस्त बैठे थे और हमने एक मोटिवेशनल वीडियो देखी थी उसी टाइम। और उस टाइम ये होता है भाई, कुछ करना है जीवन में, मतलब एलन मस्क वगैरह और एंटरप्रेन्योर बनना है। एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उस साइड पे जाने वाला लाइन था। फिर हमने सोचा यार हमें आता क्या है। मैं कहा भाई मुझे तो पेट्स और डॉग्स और इनके अलावा कुछ आता ही नहीं जी, जी। तो मैं कहा यार हम एक ना ऑनलाइन जगह बनाते हैं, जहाँ पे ऑनलाइन जैसे प्रोडक्ट मिलते थे ऐसे हम ऑनलाइन डिलीवरी करवा देंगे डॉग्स वगैरह की। सो उसके बेस पे फिर मैंने 3 साल पहले नाम ढूंढा था, पेट डाइवर्सिटी। और भाई पारस भाई, आप यकीन नहीं करोगे, 3 साल बाद मैंने इसका जैसे अभी ट्रेडमार्क अप्लाई करा हुआ है, टीएम लिखा हुआ अपने। सो 6 महीने का प्रोसेस होता है इसका, तो हमने ट्रेडमार्क अप्लाई करा हुआ है और अब तक किसी ने नाम नहीं लिया था। तो ये पेट डाइवर्सिटी वहाँ से आया नाम जी। और ये जगह क्या है? ये जगह भाई, ये आप जैसे और मेरे जैसे भाइयों के लिए जो ड्रीम है ना, वो है ये आप देख रहे होगे। ये देखो, ये सारा खोद दिया इन्होंने। इसके अंदर भाई ये मेरी खुशी है, इसका नाम खुशी है। ये बीगल है, 8 महीने की है ये। और ये हमारे जो आप शरारती देख रहे हो, ये गंदा हो गया अब। ये थोर का बच्चा है, दिख रहा है वो तो। और ये अभी सिर्फ और सिर्फ भाई 53 डेज का है। अच्छा। और आप इसका बॉडी वेट वगैरह और इसके बोन साइज, ये चीजें मतलब ये गंदा हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेचुरल है भाई। हमारे ब्लॉग्स में रियलिटी दिखती है जी, और वो रियलिटी है। ये कपड़े को अपने साफ नहीं करा हुआ जी, देख रहे हो आप, खेल रहे थे ये। सो खुले छोड़ रखे हैं, खुले रहो भाई, अपने तरीके से रहते हैं। अच्छा अच्छा। और एक ही बच्चा है, ये 2 और बच्चे हुए हैं भाई, और सारे चले गए हमारे बच्चे। अरे ये तो बुकिंग पे जाते होंगे, थोर के बच्चे तो सुपरस्टार है भाई आपका। अच्छा, अब ये बताओ जैसे, हाँ जी, आपने कहा कॉलेज टाइम में आपको थोड़ा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सोचा, और आज आपने ये सब कर भी दिया, इन्वेस्ट भी ठीक ठाक करा है स्टार्टअप के तौर पे। बेसिकली भाई मेन अपना ये जो जगह है, यहाँ पे हमने सबसे बड़ा इशू था, अब स्टार्टअप की बात करी आपने, पहली बात तो ये बिजनेस नहीं है कि मतलब डॉग्स में आप बिजनेस कर नहीं सकते। बिल्कुल, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। सो अगर इसको आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे तो कोई भी कामयाब नहीं हो सकता इसे जी, ठीक है। तो मैंने क्या देखा भाई, सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या थी, मेरे पास थोर है, मेरे पास हेल है, मेरी पर्शियन कैट है और एक रॉटवाइलर है। सबसे पहले मेरे वही पेट है, सो वो अभी भी है। तो हम कहीं बाहर जाते थे ना, तो हम किसी के पास ना वो छोड़ नहीं सकते थे। सारे रिश्तेदार को पसंद नहीं होते डॉग्स, जहाँ जाना होता है हर बार सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि वहाँ डॉग्स लेके जा सकते हैं, पेट्स लेके जा सकते हैं। तो फिर एक फैसिलिटी होनी चाहिए थी जहाँ पे हम अपने डॉग्स को रख सकते हैं। जैसे आप अपने लिए होटल होते हैं,
वैसे यार इनके लिए भी कुछ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई दूसरा होता भी है बट भरोसा नहीं कर पाते, तो इसलिए हमने एक डॉग हॉस्टल फैसिलिटी शुरू करी है। और एक और सबसे बड़ी दिक्कत, लोग डॉग ले लेते हैं, टेक केयर नहीं कर पाते और उसकी वजह से वो अपने बच्चे को अपने से दूर करना पड़ता है। यहाँ हम आते हैं, हम ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ये दो जो नीच जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी वो दोनों चीजों के लिए हमने ये करा। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला आपने? प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है, सिंपल सी बात भाई ने एक मिनट में कह दी, थोड़ी ज्यादा एक्सप्लेन कर दी है जी। तो ये प्रॉब्लम थी, आप सब पेट लवर्स को होती है? बिल्कुल होती है जी, है ना? आपके पास भी, जो फ्लैट में रह रहा है उसे भी है, जो कोठी में रह रहा है उसे भी है, सबको दिक्कत है। तो इस वजह से फिर हमने ये जगह बनाई है। मैं और हाँ, कई कहेंगे कि भाई पपी दे दो पपी दे दो, सो भाई सिंपल सी बात, कहियो कोई गलत भी लगे कोई हार्श लगे, पर आप वो देसी भाषा में एक बात कहते हैं, जो मेरे पास बच्चे होंगे, फॉर एग्जांपल मैं रोटवाइलर में ही कर रहा हूँ अभी, क्योंकि रोटवाइलर मेरे पास मेरा थोर है और एक मेरी फीमेल है कोनी, वो मनोज यादव जी है, उन्होंने मुझे दी है कि भाई उन्होंने ऐसे मेरे को छोटा भाई समझ के दी हुई है जी जी। तो उन दोनों की अभी हम मैंने शुरू करी है, तो उनके बच्चे अभी होंगे, अभी वो कंसीव है, मैंने भाई को बताया था, वो घर पे हमने रेजिडेंस पे है। सो यहाँ पे आपको वेल्पिंग रूम नहीं दिखेगा, वो वेल्पिंग रूम घर पे है, तो वो वहाँ है। तो हम रोटवाइलर में ही अभी काम करेंगे, बट मेन यहाँ पे ये जो फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी है डॉग हॉस्टल और डॉग ट्रेनिंग की जी जी। सो जैसे अभी ये थोर का एक बेबी है, सो ये मिल सकता है, अवेलेबल है, ऐसे ऐसे दो और हैं अभी, सो तीन बच्चे हैं, ये मिल सकते हैं, बट ये नहीं है, ये मेरे शौक के लिए, ये मैं खुद ले गया हूँ, ये इना है और वो मीना है। अच्छा। इना मीना नाम है, बाकी आपको दिखाएंगे पारस भाई, अभी अपने ट्रेनिंग सेशन पे बच्चे आए हुए हैं ये। अच्छा रचित भाई, जैसे आपने अंदर कूलर लगा रखा है, सेटअप भी बना रखा है, थोड़ा सा इसके बारे में और बताओ और दिखा भी दो हमारे दर्शकों को। आ जाओ आ जाओ। ये कूलर भाई मैं पहले बता देता हूँ पारस भाई, ये सिर्फ 2 महीने के लिए, उसके बाद जब ह्यूमिडिटी आ जाती है तब अपना एसी लग जाएगा। अच्छा अच्छा। सो ये बनाया भाई हमने सेटअप अभी, ये देखो आप, फिर भी बढ़िया है टेम्परेचर अभी के हिसाब से, आप आके देखो बिल्कुल बढ़िया ठंडक है, रात को तो इवन भाई बंद करना पड़ जाता है, कोनी आस होती थी पहले, अभी घर गई हुई है तो उसको ठंड लग जाती थी भाई, इतना हो जाता है रात को। अच्छा ये ट्रे आपने बहुत सही लगा रखी है यार, नई चीज देखने को मिली आज। हाँ भाई ये हमने, पता क्या भाई सबसे बड़ा इशू क्या था, जहाँ डॉग रखते थे कैनल होते हैं या फार्म हाउस होते हैं, वहाँ सबसे बड़ा रीजन इशू क्या था, आप 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, स्मेल आती है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ज्यादा स्मेल आती है ना। और स्मेल भाई मेरी मम्मी, आप व्लॉग्स तो आप देखते हो, मेरी मम्मी का भाई सफाई का कीड़ा है, मैं कह सकता हूँ दिन में 2-3 बार सफाई होती है, और वो कीड़ा भाई हमारे भी आ गया। तो इसलिए हमने सोचा था कि बदबू किस वजह से होती है, बदबू होती है भाई जो डॉग फ्रेश होता है, सुसू करते हैं पोटी करते हैं तो वो नीचे गिर जाती है। पहली बात तो हमने बेस ऊपर रखा हुआ है, देख सकते हो आप, हाँ हाँ, इतना गैप दिया हुआ है कि ये सारे केजेस ऊपर है, बिल्कुल। सो ये इसलिए रखा था कि कोई भी अगर ये फ्रेश होते हैं तो सारा नीचे गिर जाए, सफाई अच्छी तरीके से, पर ये इसके बाद भी हमारा काम नहीं चलता क्योंकि अब पानी तो मारना ही पड़ेगा भाई, पानी मारेंगे तो कहीं ना कहीं वो छूट जाएगा, छूटेगा बिल्कुल छूटेगा, या तो आपके पास जेट स्प्रे हो, पूरा प्रेशर से लगे हो भाई, जेट स्प्रे से भी कहीं ना कहीं दीवार के कोने में जैसे टिक्स वाला काम है, हाँ, वही काम इसमें है जी जी। तो इस वजह से स्मेल हो जाती है बहुत ज्यादा, और फिर मैंने और मेरे पापा ने क्या सोचा भाई उसको करना पड़ेगा, यूं तो रह ही नहीं जाऊंगा, तो फिर हमने सोचा कि हम ट्रे वाला सिस्टम करते हैं। पारस भाई ये 6x5 फीट का है, 6 फीट बाय 5 फीट, 5 फीट चौड़ा है ये, 6 फीट लंबा है, मतलब इसमें अगर आप नॉर्मल भी कहो तो इतने ये फुल साइज के डॉग्स आराम से 3 या 4 आ जाएंगे, बट हम रखते नहीं, हम प्रेफर नहीं करते, बट फिर भी आप एक साइज का अंदाजा दे रहा हूँ, ये केज है पारस भाई 9 फीट का, तो 9 फीट लंबे की ट्रे कहाँ से बनवाएं, तो ये भी मैं बताता हूँ, बट ट्रे का हमारा सिस्टम है ये ट्रे है, कोई भी जैसे खुशी इसमें रहती है, सुसु पोटी हुई तो नीचे गिर जाएगी और अपने बाहर निकलना, और बढ़िया इस पर मोप करा और सारा साफ हो गया। अच्छा इसी पे मोप करके और धोना हो तो धो भी सकते हैं, तो है ना? ये पूरी बाहर चली जाएगी, बहुत अच्छी। हाँ, और ये वैसे एक बहुत अच्छा आइडिया दिया आज आपने, काफी कैनल वाले सारे से अप्लाई भी करें, जरूर करना भाई, क्योंकि कैनल में सबसे बड़ा इशू ये आता था कि भाई स्मेल बहुत ज्यादा, एग्जॉस्ट वगैरह सब चीज हमने वो सारी चीजें करी है जो हो सकती थी, बट फिर भी कुछ ना कुछ रह गया था, वो ये रह गया था। अच्छा एसी की वेंट स्प्लिट एसी लगाएंगे आप यहाँ पे? यहाँ विंडोज आ जाएगा भाई ये। अच्छा इसके ऊपर ही आ जाएगा ये जगह, कभी छुड़वा लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, ये ऐसे हम
अंदर प्रॉपर चला जाएगा। बाकी तो ये कैबिन तो मतलब हॉस्टल के हैं, ये हॉस्टल के हैं। डॉग ट्रेनिंग में भी अगर डॉग जैसे हिसार के आसपास का ना हो, कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो हम हॉस्टल फैसिलिटी तभी दे रहे हैं, वो यहाँ रह भी सकता है और यहाँ ट्रेन भी हो जाएगा। तो ये ना स्कूलों में भी, अपने स्कूलों में हॉस्टल होते थे तो यहाँ ही खाना वगैरह मिलेगा और यहाँ ही बाहर ट्रेन में जैसे ट्रेन। अच्छा, बहुत अच्छी आपने बात बोली है खाना, थोड़ा खाने को भी बताओ। वैसे तो मैं भी आंटी जी का एक फॉर्मूला था, मैंने भी करके देखा उसे, पनीर के पानी वाला। हाँ। बहुत बढ़िया लगा मेरे को और अच्छा रिजल्ट भी आया। पर आप थोड़ा सा जैसे अभी यहाँ पे क्या दे रहे हैं डाइट में? अभी मेरे सारे डॉग्स को रॉयल कैनाइन और कैनाइन क्रीम, ये दो फीड है। जैसे मेरे डॉग जितने भी हैं सबको मैंने ये चीज़ मिक्स करके ये फीड तैयार करा हुआ है, दोनों मिक्स करा हुआ है। और साथ में अपना चिकन होता है और साथ में अपना जो आपने अभी बताया पनीर का पानी। अच्छा, तो ये अच्छा। चार चीज़ मिक्स हो गए बढ़िया तरीके से, वो मैं फीड दे रहा हूँ जी। हाँ, दोपहर के टाइम जैसे अभी गर्मी है तो दही मिलती मिलती है, तो ये चीज़ें मेन चल रही है अभी इस टाइम जी। फीड भी हो जाता है भाई अपने रॉयल कैनाइन, सबको पता है कैसा फीड है, और कैनाइन क्रीक थोड़ा मिड रेंज का हो गया, रॉयल कैनाइन पूरा ही हाई हो गया, इससे ऊपर है ही नहीं कुछ। तो इन दोनों को मिक्स करके एक बढ़िया सा बन जाता है, और साथ में चिकन हो गया, साथ में अपनी पनीर हो गया, तो उससे एक मिक्सचर सा बन गया, अच्छे तरीके खुल हो खुश होकर खाते हैं, साथ में थोड़े से चावल भी दे देते हैं। तो ये फीड चल रहा है। आओ आपको एक और बहुत शानदार चीज़ दिखाता हूँ। ये तो हमारे अंकल जी बैठे हैं आपके चैनल पर, आपको दिखा रहा हूँ। सो आपको ये दिखाता हूँ भाई, इस पर मैंने पहली बार काम करा है। ये टैंक आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, मैं एक्वेरियम्स का बहुत बड़ा शौकीन आदमी हूँ और मुझे नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस टैंक के अंदर भी ना एक प्रॉपर नेचुरल सिस्टम काम कर रहा है। एक्वेरियम मेरी सेंस में ये नहीं होता कि आप एक कांच का टुकड़ा ले, उसमें दो पत्थर डालो और मछली डाल दो, एक्वेरियम नहीं है। एक्वेरियम क्या है? एक्वेरियम एक नेचर है। नेचर को आप अपने एक छोटे घर में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में कहीं लेके आ रहे हो, तो उसमें रियलिटी में नेचर होना चाहिए। अब ये क्या है सर? ये अपने जो वाटरफॉल होता है, झरना होता है, पानी का झरना, तो पानी ऊपर से गिरता है, पौधे यहाँ लगे हुए हैं, ये सारे लाइव प्लांट्स हैं, और नीचे पानी गिर रहा है और यहाँ नीचे अपने मछलियों के पास जा रहे हैं। इसमें दो चीज़ हो रही है, एक तो जो ये मछलियाँ खाना खाती है और इनको जो खाना मिलता है वो पानी ऊपर जाता है, इनके लिए वो फर्टिलाइजर खाना बन जाता है पौधों के लिए, पौधे इनको फिल्टर करके नीचे भेज रहे हैं तो पानी इनके लिए साफ सुथरा हो। तो ये एक साइकिल डेवलप हो गई है इसके अंदर। और भाई मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, बट एक चीज़ बताता हूँ आपको, इस टैंक में मैंने 6 महीने से इसका फिल्टर साफ नहीं करा। क्यों नहीं करा है? वैसे करना तो हमें 10-15 दिन में या महीने में करना चाहिए, बट भाई ये हमने एक नेचर सेट कर दिया है। फिल्ट्रेशन का काम तो मेरे पौधे ही कर रहे हैं, फिल्टर को तो काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो एक साइकिल मेंटेन हो गई है। ऐसे ही मैंने ये प्लांटी टैंक बनाया है मेरा, इसमें सब चीज़ लाइव है A to Z। इसमें प्लांट्स भी प्रॉपर एक्वेरियम वाले हैं, मतलब अंडर वाटर प्लांट्स हैं। ये मेरी गोरामी है, इसमें ये 70 कैट्स है, थोड़ी ये हमारी क्लीन अप करो है, ये एल्गी वगैरह को खाती है, तो वो काम पे लगी रही है जैसे वो देख रहे हो आप। तो ये मैंने अभी, ये मेरा पहला मेरा प्लांटी टैंक है, तो इसमें खुद सेटअप करा आपने? खुद सब A to Z चीजें खुद। चलो बहुत बढ़िया। और मैंने अपने बैनर पे एक्सोटिक एक्वेरियम्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि मैं आप लोगों को ना गाइडेंस दे सकता हूँ। जितने भी लोग हैं जो नए आना चाहते हैं कि मुझे हमें ये करना है, तो एक्सोटिक टैंक्स में मतलब जो नेचुरल ये चीजें हैं ना जो हर जगह नहीं दिखेगी, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ से। आप बताओ कि मेरे को सर ये चाहिए या वो चाहिए। अभी 2 टैंक्स और आ रहे हैं पारस भाई, वो इससे डबल है, नीचे ये है ही, इसके ऊपर और है, ऊपर से पानी आता है उसमें, तो वो और आ रहे हैं। बाकी आप चैनल फॉलो करोगे तो आपको अपडेट मिलेंगे। अब बंटी से मिलाता हूँ आपको भाई, बंटी बाहर आया ही हुआ है, ये बंटी है, ये चला रही है उधर, ये बंटी है, ये भी इसके लिए सेटअप बनाई आ गया बंटी, इधर से देखो लो, इसका नाम मैंने बंटी रखा हुआ है। ये भी बहुत शानदार फिश है ये भाई, ये फिश अगर मेरे को कोट मत करना, जहाँ तक मेरी नॉलेज है उस हिसाब से बताता हूँ, मुझे बताया गया कि ये फिश ना जब से हमारे डायनासोर वाला टाइम नहीं उस टाइम से ये फिश मेंटेन कर रही है अर्थ को। अच्छा, ये वो वाली, इसलिए बंटी नाम रखा हुआ, ये मेरे साथ ही रहते हैं। इसमें भी सारे प्लांट्स लाइव हैं सब कुछ, ये बस
थोड़ा सा टैंक सेटअप करा था कि बंटी एक बार रह ले इसमें, उसके बाद इसको फाइनल करेंगे जी। तो ये एक मेरे में ये हमारा ऑफिस है, ये तो ऑफिस है, ये छोटा सा हमारे स्पेस है जहाँ पे आपको मतलब आपके सपनों की जगह कह सकते हुए जो जो हमारे जैसे बंदे हैं। अभी ये और अपडेट होगा यहाँ पे, और डिस्प्ले टैंक्स आएंगे यहाँ तक, आएंगे यहाँ पे बहुत सारे डिस्प्ले। अभी तो शुरुआत है धीरे धीरे, आप लोगों का साथ रहा तो सारी चीज हो जाएगी। बाकी फ्रिज फ्राज सब में रखा हुआ है क्योंकि अपन नॉन वेज जो अपने दोस्त को देते हैं तो प्रॉपर तरीके से। अच्छा हाँ भाई, एक और बात, अब मुझे नहीं पता है लोग सही कहेंगे गलत कहेंगे, बट मैं अपने डॉग्स को ना बोनलेस ही चिकन देता हूँ, मैं हड्डियाँ नहीं देता, क्योंकि मैंने एक बार मेरे डॉग कोनी को दिया था तो उसने मतलब उल्टी कर दी थी, तो मुझे पता चला ना यार क्यों ऐसे करें, बॉयल्ड बोन्स दिक्कत देती हैं, बॉयल्ड बोन्स दिक्कत देते हैं, इसलिए मैं उनको बोनलेस ही देता हूँ। दोस्तों ये थे हमारे साथ में रचित भाई, अभी और पार्ट आएंगे इस वीडियो के क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, और भाई का चैनल है @ में मेंशन कर रखा है, जाके सब्सक्राइब जरूर करना है, प्यार देना है, और इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं करते हो तो, ठीक है। और थोर नहीं है इस वाले वीडियो में, थोर नहीं है इस वीडियो में, थोर थोड़ा स्पेशल गेस्ट है, वो अभी हमारा ना आएगा, वो थोड़ा लेट आता है, वो कहते हैं ना VIP थोड़े लेट आते हैं, तो वो थोड़ा सा लेट आ रहा है, सुपरस्टार आ रहा है, बट आपको वीडियो जरूर मिलेगी उसकी, तो इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको थोर मिलेगा। चलो मिलते हैं।